नमस्कार, आप देख रहे हैं बीआरजी न्यूज, मैं हूं रोशनी सिंह। रेलवे विभाग की ओर से आपातकालीन स्थिति से बचने के लिए मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया था। आज बड़ौदा में रेलवे विभाग की ओर से मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया था। इस मॉक ड्रिल में एनडीआरएफ की टीम, रेलवे विभाग की टीम, एम्बुलेंस के सभी सदस्य मौजूद रहे। इस कार्यक्रम के अंतर्गत किस तरह से यात्रियों को किसी भी घटना के होने से जल्द अपनी बचाव करने की तकनीक सिखाई गई। रेल के अंदर आपातकालीन विंडो से यात्रियों को कैसे बाहर निकलना चाहिए ये भी सिखाया गया। इसी सब के सिलसिले में रेलवे विभाग ने रेलवे यार्ड में आज मॉक ड्रिल का आयोजन किया था। इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि गोल्डन आवर, जो जल्दी से जल्दी जितने हम लोगों को बाहर निकाल सकें कोच में, अगर कोच फंसे हुए हैं तो उनको कैसे काटा जाए, इमरजेंसी विंडो को यूज़ करते हुए कैसे लोगों को बाहर निकाल सकते हैं, अगर उसमें कोई बाधा आ रही है तो खिड़की कैसे काटी जा सकती है या रूफ कैसे काटा जा सकता है, लोगों को जल्दी से जल्दी बाहर कैसे निकाला जा सकता है। तो इसकी एक मॉकड्रिल हुई थी, इसकी इन्फॉर्मेशन जो है बहुत ही कम लोगों को पता था, सभी लोगों को लगा कि एक्चुअल ये एक्सीडेंट हुआ है, और हमने सभी टाइमिंग्स नोट किए हैं, और इसके बाद एक रिव्यू होगा और एक जॉइंट मीटिंग भी होगी रेलवे और एनडीआरएफ टीम के साथ कि जो भी कोई इस ड्रिल में त्रुटियाँ पाई गई हैं, कमियाँ पाई गई हैं, किस तरीके से अगर कोई हादसा होता है तो हम एक्चुअल फील्ड में किस तरीके से इन चीज़ों पे इम्प्रूव करें। ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों से अपडेट रहने आप हमें YouTube, Facebook, Instagram और Twitter पे सब्सक्राइब, लाइक और फॉलो करना ना भूलें।